जेल में बंद केजरीवाल, लेकिन सपने में आकर केजरीवाल ने कर डाला कमाल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्षद को केजरीवाल ले आए वापस आम आदमी पार्टी के अंदर। सपने में आकर केजरीवाल ने अपने पार्षद रामचंद्र को दर्शन देते हुए क्या कहा। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इस तरह से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दिल्ली के 5 पार्षदों में से 1 पार्षद वापस आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। वापस लौटे पार्षद का नाम रामचंद्र है। रामचंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और अब वो उसे सुधारना चाहते हैं। वार्ड नंबर 28 के पार्षद रामचंद्र बवाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक है। पार्षद ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर एक गलत फैसला लिया और उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक सहित आपके दूसरे नेताओं से मुलाकात की। जब रामचंद्र से पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने वापस बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने का फैसला क्यों किया, तो इस पर रामचंद्र ने कहा कि रात को मेरे सपने में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने मुझे खूब डांटा और कहा, रामचंद्र उठो और जाकर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, डॉक्टर संदीप पाठक समेत सभी नेताओं से मिलो, साथ ही क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलो और जनता के लिए काम करो। बस रामचंद्र का कहना है कि केजरीवाल जैसे ही उनके सपने में आए तो उन्होंने फैसला कर दिया कि वो अब वो बीजेपी छोड़ देंगे और वापस अपनी पुरानी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। रामचंद्र ने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब वो अपने परिवार के पास वापस लौट आए हैं और इस गलती को सुधारना चाहते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर पोस्ट में कहा, आम आदमी पार्टी के साथी और बवाना विधानसभा से पूर्व विधायक रामचंद्र जी से मेरी मुलाकात हुई, अब वो वापस आम आदमी पार्टी परिवार में लौट आए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा रामचंद्र ने ये भी कहा है कि वो शपथ लेते हैं कि आज के बाद भले ही लोग उन्हें कितना भी गुमराह क्यों ना करें, लेकिन वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।